देखो इस क्वेश्चन में एन ए सी वोल्टेज दे रखी है आपको 200√2 साइन ओमेगा टी प्लस फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड अक्रॉस ए सीरीज एल आर सर्किट. एल दे रखा है आपको 20/π मिली हेनरी और आर दे रखा है 2 ओम. एल आर सर्किट दे रखा है तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पूछ रखा है, वोल्टेज एज ए इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पूछ रखा है. ठीक है आपको ये गीवन है, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी गीवन है आपको और इनिशियल फेज एंगल 0 मान रखा है इसका. अब देखो एल आर सर्किट है तो इसका फेजर डायग्राम इधर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस ये आई नोड और क्या आ जाएगी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. ठीक है इसमें पहले एल आपको गिवन है कितना 20/π मिली हेनरी यानी कि इंटू में 10^-3 हेनरी. आर की वैल्यू गिवन है 2 ओम और म्यू आपको गिवन है कितना 50 हर्ट्ज. तो यहाँ से और ओमेगा ओमेगा की टर्म्स में ही दे रखा आपको तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π μ. ठीक है तो 2π इंटू में 50 कितने आ जाएगी 100π ये ओमेगा की वैल्यू आ गई. यहाँ से आप एक्स एक्स एल क्या होता है ओमेगा इंटू एल तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100π इंटू में एल की वैल्यू है 20/π इंटू में 10^-3 पाई से पाई कैंसिल 2000 इंटू में 10^-3 तो 2 ओम आ जाएगा. ठीक है और एक्स आर क्या होता है आर के इक्वली तो इसकी वैल्यू तो 2 है ही. ये भी पता लग गया ये भी पता लग गया. इनके जो नेट वोल्टेज होगी होगी वी नेट या वी नोड वी नोड ही होगी तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास वी नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी आई नोड अंडर रूट एक्स एल का स्केयर प्लस एक्स आर का स्केयर ये आ जाएगी. तो वी नोड इक्वल टू आई नोड में पता नहीं एक्स एल की वैल्यू क्या है 2 का स्केयर प्लस एक्स आर की वैल्यू भी क्या है 2 का स्केयर तो वी नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नोड इसको ये 4+4 यानी कि अंडर रूट 8 तो इसको लिख सकते हो आप 2√2 तो आ जाएगी आपके पास 2√2 आई नोड. ये किसकी वैल्यू आ गई वी नोड की. जेड क्या होता है इसमें इम्पिडेंस जेड इक्वल टू क्या होता है वी नोड बाय आई नोड तो जेड इक्वल टू और वी नोड की वैल्यू आपको दे भी रखी है 200√2 वी नोड की वैल्यू दे भी रखी है कितनी 200√2 तो यहाँ पे इक्वेट भी कर दो चाहे ये किसके इक्वल है 200√2 के इक्वल है तो आई नोड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास वी नोड तो 200 हुआ वो वी की वैल्यू है वी नोड 200 वही लिखा है मैंने वी नोड ही लिखा है 200√2 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2√2 तो √2 से √2 कैंसिल कितना आ जाएगा 100 तो आई नोड की वैल्यू भी आ गई आपके पास 100. आई नोड भी पता लग गया आपको जेड भी निकाल ही सकते हो यहाँ पे वैसे इंडिविजुअल हमने मिक्स अगर जेड निकालना हो तो वी नोड की वैल्यू कितनी है 200√2 और आई नोड की वैल्यू कितनी है 100 तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा जेड की वैल्यू 2√2 ही आ जाएगी और ये जेड वैसे ये होता भी यही है जेड. ठीक है अब इक्वेशन लिखनी है आपको तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखना है तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आई इक्वल टू अब इसने रेफरेंस जो लाइन मान रखी है वो क्या मान रखी है ये मान रखी है क्योंकि देखो जो वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी जो गिवन है उसमें टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल फेज एंगल क्या दे रखा है 0 दे रखा है तो इसका मतलब रेफरेंस लाइन क्या मान रखी है इसको मान रखा है जो नेट वोल्टेज आएगी उसको रेफरेंस लाइन मान रखा है. देखो जो इक्वेशन इसने गिवन है वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी हम खुद लिखते थे इसने गिवन दे रखी है 200√2 साइन ओमेगा नेट वोल्टेज ये नेट नहीं है ये किसी जनरल टाइम पे जो हम इक्वेशन लिखते थे वी नेट नहीं बोलोगे इसको जनरल टाइम पे वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी और कंबाइन अगर लिखते थे इसके अक्रॉस और ये जो ये तो थी नेट वोल्टेज तो हम कंबाइन जो अगर ये गिवन दे रखी हो तो ये नेट ही मान लो एक प्रकार से इसकी वजह ये आपको क्या दे दी वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी यानी कि नेट ही दे दी और वो ही क्या दे रखी है उसका रेफरेंस लाइन ये दे दी आपको.
ठीक है, एक प्रकार से अगर एसी के केस में वी दे रखा है आपको तो वो क्या होगी, नेट वोल्टेज गिवन है, तो इसका मतलब रेफरेंस लाइन ये गिवन है आपको। तो अब वो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखोगे तो क्या होता है, आई नोड की वैल्यू कितनी है 100 साइन ओमेगा टी, और रेफरेंस लाइन से कितना पीछे है, माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। ये टेंजेंट फाई निकाल लो, उसी से आ जाएगा आपके पास। टेंजेंट डेल्टा फाई क्या होता है, एक्स एल बाय में एक्स आर, एक्स एल की वैल्यू भी 2, एक्स आर की वैल्यू भी क्या है 2, तो 1 आ जाएगी। तो टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 4, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में पाई बाय 4 ये आ जाएगी आपके पास करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, दूसरे इसमें वोल्टेज ऐसे इंडक्टर, इंडक्टर की अक्रॉस पूछ रखी है, तो इस केस में क्या लिखोगे, वी नोड एल, तो आई नोड एक्सएल, इक्वेशन जब बताई थी आई नोड एक्सएल, आई नोड की वैल्यू कितनी है 100 इंटू में एक्सएल की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगी 200 साइन ओमेगा टी, और रेफरेंस से आगे तो प्लस पाई बाय, ये पूरा माइनस पाई बाय 2 था, तो पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 माइनस करोगे तो पाई बाय 4 ही, तो प्लस का पाई बाय 4 आ जाएगी। ठीक है, और वोल्टेज एज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू क्या है जी, आई नोड एक्स आर, आई नोड की वैल्यू 100, एक्स आर की वैल्यू भी 2 है, तो 200 साइन ओमेगा टी, और रेफरेंस से पीछे है तो माइनस का पाई बाय 4 आ जाएगी आपके पास। यानी कि फर्स्ट का करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी देखोगे तो आ जाएगी आपके पास फर्स्ट ए ऑप्शन, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर किसी जनरल टाइम पे तो क्या आ जाएगी आपके पास 200 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, 200 साइन ओमेगा टी, यानी ओमेगा की वैल्यू 100 पाई पुट कर सकते हो आप, ओमेगा की वैल्यू जहाँ जहाँ मैंने ओमेगा लिखा वहाँ पे 100 पाई पुट कर दो, क्योंकि ओमेगा हमने निकाल लिया था मेरा, तो 100 पाई प्लस पाई बाय 4, और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी 200 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 4। आगे समझ, इस इक्वेशन से ये पता लग गया कि रेफरेंस किस लाइन को मान रखा है इसने। ठीक है, एंड आउट, यानी कि अब दोबारा से लिखोगे वही इक्वेशन लिखोगे, वी नोड साइन ओमेगा टी प्लस लिख नहीं रखा तो इसका मतलब ये मान लो कि वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी लिख रहे हैं, या फिर इसी को पीक वैल्यू मान रखी है इसने। ठीक है, एनी डाउट, ये हमारी कंबाइंड वोल्टेज की बन गई तो वही है। हाँ, उस जो हम इक्वेशन लिखते हैं जो जनरल टाइम पे लिखते हैं और वो नेट वही दे रखी है इसने, ये पीक वैल्यू इक्वेशन दे दी आपको, समझ में आ गया, इससे ये पता लगे कि रेफरेंस किसको मान रखा है इसने। एनी डाउट, अगर इस तरीके से ऐसे में इक्वेशन दे दे इसका मतलब वही पीक वैल्यू है, उसी से आपको पता लगेगा कि रेफरेंस किसको मान रखा है। अगर इसी में प्लस पाई बाय मान लो कुछ ऐड कर देता, पाई बाय 3 ऐड कर दिया, पाई बाय 4, तो रेफरेंस लाइन कुछ और चेंज हो जाती, उसके अकॉर्डिंग जो ऐड होता ना वो रेफरेंस लाइन बन जाती फिर, समझ में आ गया। अगर मान लो इसमें ऐड होता माइनस पाई बाय 4 होता तो रेफरेंस लाइन ये हो जाती फिर, ये वाला एंगल पाई बाय 4 होता फिर, या फिर उस केस में पाई बाय मान लो पाई माइनस पाई बाय 2 दे देता तो फिर रेफरेंस लाइन ये होती, पाई माइनस का पाई बाय 2 देता तो रेफरेंस लाइन ये होती, क्योंकि फिर इस केस में ये वाला एंगल कितना होना चाहिए था, प्लस का पाई बाय 2, मतलब ऐसे जाते तो प्लस दे रखा होता तो ये हो जाती, माइनस दे रखा होता तो ये हो जाती है। हाँ, उस टाइम माइनस का मतलब एंटी क्लॉक वाइज चलोगे फिर, माइनस का है तो क्लॉक वाइज चलोगे और प्लस का है तो क्या करोगे, एंटी क्लॉक वाइज, वो सम उससे पता लग जाएगा। एनी डाउट, पहले आप अपनी डायग्राम बना के फिर देख लिया करो कि रेफरेंस लाइन क्या गिवन है, पहले अपनी इक्वेशन लिख लिया करो, फेज एंगल लास्ट में लिख दिया करो जो। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था उस क्वेश्चन में भी क्या किया था, मान लो प्लस माइनस दे रखा है तो आप लास्ट में प्लस माइनस ऐड कर दो उसमें। ठीक है,